दोस्तों आपने मूवी और पबजी जैसे गेम में देखी होगी बड़ी बड़ी गन्स को, पर गाइस इन गन को मूवी और गेम के अलावा इन्हें आप परचेज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में। और इसके अलावा भी इसमें और भी खतरनाक और धांसू गैजेट भी हैं, जिन्हें देखना तो दूर आपने इनके बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। फिर गाइस आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए सोफे पर और हम शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन सफर को। तो चलिए गाइस आज की शुरुआत कर लेते हैं प्लेस्टेशन आयरन मैन वीआर से। गाइस सुपर हीरो आयरन मैन की पर्सनालिटी से लेकर उनके सूट का हर कोई दीवाना है। अगर आपको भी टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ टाइम आयरन मैन जैसा ही बनना, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं प्लेस्टेशन आयरन मैन वीआर को, जिसमें आप गाइस पाएंगे खुद को आयरन मैन सूट में, जिसे गेम में भी सामने से आ रही प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। अब ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होता है। वैसे गाइस नॉर्मली तो हम गेमिंग करते टाइम देख, बट गेमिंग में ही अगर हमें कैरेक्टर मिल जाए तो ये चीज भी इसे और भी ज्यादा औसम बना देती है। साथ ही गाइस सूट अप होने के बाद आपको इसमें बहुत सी पावर भी मिल जाएगी, जिससे आप गेम में विलन की भी बैंड बजा पाएंगे। अगर गाइस आपको लेजर बीम शूट करनी है या फिर आयरन मैन से रिलेटेड कुछ पावर को यूज करना है, तो ठीक आपको वैसे ही मूव करना होगा जिस तरीके से आयरन मैन मूवी में मूव करता था, जिससे गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। और सूट अप होते ही हेलमेट के अंदर सारी होलोग्राफिक असिस्टेंट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल गाइस हमारे आयरन मैन फैन लवर के साथ ही साथ हमारे प्लेस्टेशन गेमर के लिए ये बेस्ट गैजेट हो जाता है। स्पीड बॉल प्लास्टर। कैसे सुपर औसम गन बनी होती है हार्ड प्लास्टिक से, वो भी अपने कुछ अटैचमेंट के साथ, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको कुछ बुलेट्स भी मिल जाती है। वैसे कैसे इन बुलेट्स में आपको पेपर भरना पड़ेगा और भरने के बाद इन्हें बुलेट्स को लगा लेना होगा इसकी मैगजीन में, फिर उसके बाद आप बैटल फील्ड के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो जाएंगे। और जब भी आप इसे शूट करेंगे तो इसमें पेपर की बॉल शूट होगी और इस प्लास्टिक सेल से, जिसे आप बुलेट्स भी कह सकते हैं, वो भी इजेक्ट होगी साइड बाय साइड, जिन्हें देखने में भी आपको एक रियल लगेगी। वैसे गाइस अगर बात कर लें इसके डिजाइन की, तो इसके डिजाइन को भी देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक यूएमपी गन है, वो भी पबजी वाली। वैसे इसकी बुलेट्स भी पेपर की बनी होती है, तो जाहिर सी बात है आप किसी पे मारेंगे तो बिल्कुल भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट गाइस इस गन से आप एक रियल लाइफ की तरह भी खेल सकते हैं, वो भी अपने फ्रेंड के साथ में। और इसमें आपको एक रियल गन की तरह इसमें आपको कुछ सेफ्टी लॉक और कुछ कमाल के फीचर भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाइस अगर आप भी शूटिंग गेम के फैन है तो ये गन भी आपके लिए बेटर चॉइस है। अब बात कर लें इसे परचेज करने की, तो इसका लिंक्स भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। सौरन गियर। गाइस आपने लॉर्ड ऑफ रिंग तो देखी होगी, अगर आपने देखी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आपने नहीं भी देखी तो आप सोने से पहले जरूर से देखेगा। तो चलिए गाइस अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। वैसे गाइस इस मूवी में जो सौरन था उसका भी भयानक रोल था, तो चलिए गाइस अब हम मिलवाते हैं सौरन के गियर से। इसमें शामिल है सौरन का मास्क और इसका गॉडलेट और इसके साथ इसके खतरनाक वीपन्स। इस वीपन से उसने मूवी में तबाही मचा दी थी। और ये गियर भी पूरा का पूरा बना होता है प्योर मेटल से और जरूरत के हिसाब से इसमें दूसरे मेटल का भी यूज किया गया है। ये शाइनी है, गुड लुकिंग टाइप में नहीं है, बल्कि इसमें मूवी जैसे इसमें रफ एंड टफ इसमें डाले गए हैं, जिससे कि इसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह या गियर देखने में भी डरावना रियलिस्टिक लगने लगता है। तो ओवरऑल गाइस अगर आप भी फैन है सौरन के, तो आप भी सौरन गियर को भी परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लेस्टेशन बीट सेवर। अब गाइस आप इस गेम को देखकर तो जान ही गए होंगे कि इस गेम ने वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में इसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। अब देख लिया जाए कि इस गेम में ऐसा क्या खास है। तो ये गैजेट में ऐसा है कि इस गेम में म्यूजिक की बीट्स पर एलिमेंट्स आपकी तरफ थ्रो करता है, जिसे बीट्स एलिमेंट्स आपकी तरफ आते हैं, जिसे आप बहुत ही इजीली बीट्स की सेवर की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं, जो कि इसकी वर्चुअल स्क्वाड की तरह होती है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी इस गेम में म्यूजिक बढ़ जाता है और गेम की स्पीड बढ़ जाती है, तब इसका असली खेलने का मजा आता है, नहीं आपको इसमें रुकना होता है। वैसे गाइस देखा जाए तो इसे खेलते टाइम आपको रुकना भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मजा आता है, जिसे आप रुकना तो दूर, आप इसे हर टाइम खेलना पसंद करेंगे। म्यूजिक और एलिमेंट को ब्रेक होते होते आपको इनको ब्रेक भी करते जाना होता है,
और आपको भी इसमें नियोन इफेक्ट भी मिल जाएंगे जो कि इस गेम को और भी ज्यादा औसम बना देती है। वैसे गाइस देखा जाए तो इसमें म्यूजिक का रोल भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिससे आप म्यूजिक के साथ ही साथ और भी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाएंगे। साथ ही आप इसमें अपने मन के अकॉर्डिंग भी इसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस अगर आप भी रेसिंग गेम और भी तरह के गेम से बोर हो चुके हैं ये बेस्ट गैजेट हो जाता है। सनगो वैसे गाइस देखा जाए तो इसका नेम सुनकर तो कोई भी समझ जाएगा पर गाइस ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है क्योंकि ये एक स्मार्ट सनग्लासेस है। बेसिकली गाइस ये सनग्लासेस देखने में तो नॉर्मल ग्लासेस लग रहे होंगे पर मैंने इन्हें स्मार्ट ग्लासेस कहा है तो जाहिर सी बात है ये स्मार्ट भी होंगे। तो चलिए गाइस आपको मैं बता दूं ये ग्लासेस भी ऑडियो सनग्लासेस हैं जिनमें भी आपको ऑडियो ऑगमेंटेड रिलेटेड के साथ ही साथ इसमें और भी बिल्ट इन स्पीकर भी मिल जाते हैं जिसके चलते ये आपको दे देता है हाई क्वालिटी म्यूजिक एक्सपीरियंस। ये डिवाइस भी गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट कर लेता है। अब गाइस मैं आपको बता दूं ये ग्लासेस तो अल्ट्रा वॉलेट राइज और आइज को भी प्रोटेक्ट करता है। वैसे गाइस ये वाला फीचर तो बहुत ही ज्यादा खास है। अगर गाइस आप इसे जैसे ही लगाएंगे तो इसमें आप म्यूजिक और कॉल्स वगैरह पे भी बात कर सकते हैं और साथ ही नॉइज रिडक्शन का फीचर भी इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाइस एक तरह से देखा जाए तो सनगो भी एक बहुत ही ज्यादा बेटर गैजेट हो जाता है। छतेशी वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। गाइस अगर आप भी आईफोन यूजर हैं और डेली की लाइफ में भी आप यूज करते हैं तो इन्हें चार्ज करने के लिए आपको केबल और एडाप्टर वगैरह का यूज करना पड़ता है पर अब आप मिलिए छतेशी वायरलेस चार्जिंग स्टेशन से जिसमें आप अपनी वॉचेस और अपने स्मार्टफोन को इजीली इससे चार्ज कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से वायरलेस होता है जो कि इसकी सबसे अमेजिंग बात होती है जिसे आपको अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस को चार्ज करने के लिए इसमें आपको केबल वगैरह को अटैच भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने स्मार्ट वॉचेस को इजीली चार्ज भी कर पाएंगे। ये स्मार्ट स्टेशन फास्ट चार्जिंग क्विप्ड होता है जैसे कि अगर आप जल्दी में हैं तो ये चार्जिंग स्टेशन आपके स्मार्ट डिवाइसेस को क्विकली चार्ज कर देगा। इस चार्जर की खास बात तो यह है कि काफी ज्यादा लाइटवेट होने के चलते आप इसे कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। फ्रीगो ई-बाइक। अगर गाइस हम बात करें एक ऐसी ई बाइक की तो आज के टाइम में मौजूद है मार्केट में बट उनमें से बहुत सी अलग अलग तरह के यूनिक बाइक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ऐसे में आप मिलेंगे फ्रीगो से। ये एक ऐसी ई बाइक है जो कि पूरी तरीके से बेस्ड होती है इलेक्ट्रिक बाइक में और साथ ही इलेक्ट्रिक होने के चलते आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको पैडल्स भी नहीं मिलते हैं। वैसे तो नॉर्मल ई बाइक्स में आपको पैडल्स देखने को मिल जाते हैं पर इस ई बाइक में आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बेस्ड होती है यानी कि ये पूरी तरीके से एक बाइक कैटेगरी में चेंज हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक बाइक भी एक छोटी सी ई बाइक होने के चलते ये पावर भी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करती है। साथ ही ये लाइटवेट होने पर इसे आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जिससे आप कहीं पर भी अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ ये चलाने में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है। वहीं गाइस आप इसके हैंडल पर देखेंगे तो इसमें आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है जिससे आप इसकी स्पीड और इसकी डिस्टेंस और इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। सिंपली अगर आप इससे कहीं जाते हैं और आपको कुछ स्टेयर और कुछ ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ पे चलाया नहीं जा सकता तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट होने के चलते आप इसे उठा भी सकते हैं और आराम के साथ आप इसे राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। अब गाइस आपकी बारी है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तब तक लिए गाइस आप सेफ रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ कमाल के गैजेट के साथ।